हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। कभी कभी आपको एक ऐसी दिक्कत जो मैं बताने जा रहा हूँ वैसी आपको दिक्कत आ सकती है। अगर आप एक्सेल यूजर हैं और एक्सेल यूज करते हैं तो अगर मान लीजिए एक्सेल आपने ओपन किया, आप देखिए ये एक्सेल ओपन हो गया है। देखिए ये एक्सेल ओपन हुआ। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि यहाँ पर आपको कुछ नाम लिखना, अब नाम लिखना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी एक नाम, जैसे मैं अपना ही नाम लिख लेता हूँ तो यहाँ पे एक नाम लिख लिया मैंने, ठीक है। अब जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं तो हम दूसरे सेल में चले जाते हैं, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि यहां पर हम इंटर करें तो इसी सेल में नीचे की तरफ बढ़ जाएं, यानी नीचे की तरफ बढ़ जाएं, सूरज के नीचे इसी सेल में रहें, यानी इसी रो के अंदर रहें और नीचे की तरफ बढ़ जाएं। ऐसी अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो फिर ये किस तरीके से होगी, तो आपको खाली क्या करना है, अल्ट के साथ इंटर प्रेस करना है। और जैसे अल्ट के साथ इंटर प्रेस करते हैं यहां दूसरा नाम भी लिख पाएंगे आप, और फिर अल्ट के साथ इंटर प्रेस करेंगे तो यहां तीसरा नाम भी लिख पाएंगे, फिर अल्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ चौथा नाम भी लिख पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख के दिखाता हूँ, ये चौथा नाम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये एल ओ के ई एस एच लोकेश हो गया, तो ये इस तरीके से लिखेंगे आप। देखिए ये सब एक ही रो में आया हुआ है, देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बात आपके समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है, ठीक है ना।